प्रदेश का स्टोरी टाइम। मैं रौनक हूँ। और मैं चंचल। और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। आबरा का डाबरा गिली गिली छू, गिली गिली छू। बच्चों, क्या आपने कभी जादू देखा है? हाँ, वही मैजिक जिसमें मैजिशियन अपनी मैजिकल वॉन्ड से आपकी फेवरेट चीजें आपके सामने ले आता है। सोचो बच्चों, अगर आपको भी कोई ऐसी ही जादुई चीज मिल जाए तो कितना मजा आए। तो चलिए बच्चों, सुनते हैं आज ऐसी ही एक स्टोरी, द मैजिक पॉट। Once there was a king named Popot. क्या हुआ? नेम सुनते ही सोच में पड़ गए ना? By the way, एकदम सही सोच रहे हो आप। जैसा नाम था वैसे ही किंग के कारनामे भी थे। He was so greedy and cunning कि वो किसी को भी बुद्धू बनाता और उसका फायदा उठाता। पोपट के किंगडम में शंभू नेम का पॉटर भी रहता था। That Potter was very kind-hearted. और उस कुम्हार के पास एक मैजिक पॉट भी था। वह मैजिक पॉट जितना बड़ा था, उसके मैजिक उससे भी बड़े-बड़े होते थे। शंभू उसी मैजिक पॉट से डिफिकल्टी में फंसे हुए पीपल की हेल्प किया करता था। अब तो किसी को भी कोई भी हेल्प चाहिए होती तो वो शंभू को ही कांटेक्ट करते। वन डे किंग आल्सो गॉट टू नो अबाउट शंभूज मैजिक पॉट। अब तो किंग ने शंभू को भी फूल बनाने की सोची, सो दैट ही कुड गेट दैट पॉट। और इसलिए किंग ने कहा, मिनिस्टर कॉल शंभू टू द कोर्ट। और हाँ, उससे कहना कि अपना मैजिक पॉट भी साथ लेकर आए। शंभू गॉट स्केर्ड, फिर भी आ गया डरते डरते किंग के कोर्ट तक। करता भी क्या बेचारा, ही हैड नो ऑप्शंस बिकॉज किंग का ऑर्डर जो था। यहाँ शंभू का हार्ट फियर की वजह से पीटी ड्रम की तरह ढुक 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 किए जा रहा था। While on the other side, magic pot को देखते ही king की eyes एकदम star की तरह shine करने लगीं। सच में बिल्कुल star की तरह shine कर रही थीं। King से अब जरा भी wait नहीं हो रहा था। He wanted to check the magic of the pot. King ने pot से कहा, Pot, pot, give me money. लेकिन अफसोस, पोपट किंग डिडंट गेट एनीथिंग। किंग ने फिर से ट्राई किया, पॉट पॉट गिव मी 100 गोल्ड कॉइंस, बट पोपट फिर से फेल हो गया बिकॉज मैजिक पॉट ने किंग को ना ही मनी दी और ना ही गोल्ड कॉइंस। स्टार की तरह शाइन करती हुई आईज की सारी चमक अब फीकी पड़ चुकी थी। एंड देन ही कॉल्ड शंभू इमीडिएटली और उससे मैजिक पॉट यूज करने की ट्रिक पूछी। शंभू स्केर्ड तो था बट उसने वाइजली रिप्लाई किया, माफ कीजिए महाराज, बट ये मैजिक पॉट डिफिकल्ट टाइम्स में ही अपना मैजिक शो करता है। एंड माय लॉर्ड, यू आर नॉट इन ट्रबल एट दिस टाइम। फिर पता है क्या हुआ? द किंग बिकेम वेरी फ्यूरियस। उसने सोल्जर को ऑर्डर किया, पुट हिम इनटू द जेल। पुअर शंभू जेल में पड़े पड़े सोचता रहता था, मैं कब अपने मैजिक पॉट से पीपल की हेल्प कर पाऊंगा। और वहाँ पोपट महाराज अपनी लाइफ लग्जरी में स्पेंड कर रहे थे।
He never thought about his country and his army. यहाँ तक कि पड़ोसी कंट्री के अटैक करने के बाद भी पोपट किंग ने टनकपुर किंगडम को सेव करने के लिए कोई भी स्टेप नहीं लिया। वन डे शंभू ने प्रिजन के अंदर से ही कुछ सोल्जर्स की कन्वर्सेशन सुनी। दे वर सेइंग, अब क्या होगा हमारी कंट्री का? पॉर में एनिमीज ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्रॉप्स भी बर्न कर दी हैं, और हमारे सोल्जर्स भी इंजर्ड होने की वजह से युद्ध करने की कंडीशन में नहीं हैं। ओ गॉड, प्लीज शो योर मैजिक, नहीं तो एनिमी कंट्री टनकपुर को डिफीट कर देगी। आफ्टर लिसनिंग टू दिस, शंभू ने मैजिक पॉट से हेल्प लेने की सोची। सो ही आस्क्ड द सोल्जर्स टू ब्रिंग सम फूड फॉर हिम। बट अ सोल्जर रिप्लाइड एंग्रीली, ए कैदी, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, यू विल नॉट गेट एनी फूड। पता नहीं तुम्हें, वॉर में एनिमी कंट्री ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है। सोल्जर्स एम्प्टी स्टमक युद्ध नहीं कर पाएंगे, पर तुम तो रह सकते हो ना? बेचारे शंभू ने अगेन ट्राई किया। ओ भाई, फूड नहीं तो कम से कम एक ग्लास वाटर ही दे दो। ये लो वाटर, नाउ डोंट डिस्टर्ब मी अगेन एंड अगेन। और फिर वाटर मिलते ही शंभू ने सोल्जर को मैजिक पॉट का मैजिक दिखाया। अरे वाह, ये तो कमाल कर दिया, पहले क्यों नहीं बताया? द मैजिक पॉट टर्न्ड वन ग्लास ऑफ वाटर इनटू 100 ग्लासेस ऑफ वाटर। जी हाँ, यही तो थी मैजिक पॉट की स्पेशलिटी। उसमें आप जो कुछ भी रखो वो 100 टाइम्स हो जाती। फिर क्या था, शंभू एंड सोल्जर्स ने मिलकर मैजिक पॉट को वाइजली यूज किया एंड फाइनली अपनी कंट्री को सेव कर लिया।